तो दोस्तों जैसे बात हुआ आटे का बॉल है वो हम चपाती प्रेसिंग मशीन और ऑटोमेटिक रोस्टिंग मशीन में हम डालेंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं ये जो है हमारा ऑटोमेटिक चपाती मेकिंग मशीन जिसमें बॉल प्रेसिंग एंड रोस्टिंग दोनों चीज साथ में हो रहा है। इसमें हम देख सकते हैं ये जो हमारा बना बनाया आटे का बॉल है वो अभी ये भैया है वो उसमें डालेंगे। चलो भैया इसमें डाल के शुरू करो इसको। इसमें डाल दिया ये वन बाय वन प्रेस होके ये चपाती है वो बन के आते रहेगा। जैसे जैसे हम डालते रहेंगे उस हिसाब से वो आउटपुट निकलता रहेगा। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि मशीन को चालू करके उसका टेम्परेचर सेट करना है 180 डिग्री 250 डिग्री तक में हम उसको सेट कर सकते हैं। वो सेट करने के बाद में मोटर को स्टार्ट करना है। मोटर स्टार्ट करने से पहले हमें जो चपाती रोस्टिंग मशीन है रोटरी रोस्टर उसको भी LPG कनेक्शन देके उसका भी हमें पहले से हीट टेम्परेचर जो है सेट करना है। जैसे देख रहे हैं ये हमारा LPG है, LPG से पूरा कंप्लीट करके उसको रख दिया था तो पूरा हीट आप देख रहे हैं, फ्लेमिंग देख रहे हैं। ये फ्लेम सेट होने के बाद में पूरा कंप्लीट जो चपाती है हम जो बना बनाया हम मिल जाता है। आप देख सकते हैं ये चपाती है वो पूरा रोस्ट होके बाहर निकल रहा है। ये जो आप जला हुआ पार्ट देख रहे हैं उसके लिए क्या करना पड़ता है कि भी यहाँ पे जो बर्नर दिए गए हैं उसको भी हमें फ्लेम सेट करनी पड़ेगी। मीन्स ये एक्सपीरियंस के हिसाब से होगा कि भाई चलो हमें मालूम हुआ कि भाई चपाती है वो जल रही है तो फ्लेम को थोड़ा सा कम कर देना है। आप देख रहे हैं कि भाई चपाती है वो कंप्लीट रोस्ट होकर आ रही है लेकिन थोड़ा सा जलापन रह रहा है तो जलापन दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा ये जो बर्नर है उसको हमें स्लो कर देना है। आप देख सकते हैं ये देखिए एकदम फुल के रोटी आ रहा है, रोटी का जो है वो एकदम फुल के रोटी आएगा, कंप्लीट पक के रोटी आएगा, एक भी रोटी कच्चा नहीं रहेगा। ये इसका टेस्ट भी ऐसा ही रहेगा कि मान लीजिए हम घर पे जो बनाते हैं वैसा ही सेम रोटी हमें मिलता है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि चलो बाहर का मशीन का रोटी ऐसा लग रहा है, ऐसा भी नहीं होता है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमें कॉन्टेक्ट कीजिए 9825389070। देविका इंडस्ट्रीज राजकोट गुजरात, यूनिसॉफ फेरीफिल्स राजकोट गुजरात। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, और हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को ज़्यादातर हमारे नए नए वीडियोस मिलते रहे, उससे आप वाकिफ होते रहें।